नमस्कार दोस्तों, सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स। बहुत सारे टाइप्स की मोटर्स होती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम मोटर से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। हर जगह हमारे आसपास मोटर्स होती है और डेली लाइफ में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में फ़ैन लगा हुआ है, उसमें भी मोटर है, या हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें भी मोटर है, वाटर पंप है या इलेक्ट्रिक शेवर। इवन हम ड्राइव भी करते हैं तो हमारी बाइक में मोटर लगी हुई है सेल्फ स्टार्ट के लिए। हमारी कार्स में, टॉयज़ में और इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम हर तरीके का मोशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे रोटेशन मोशन हो, हमें मोटर से मिलता है, क्योंकि मोटर वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल है तो आजकल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए मोटर्स ही प्राइमरी सोर्स है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर को आज देखेंगे। तो जितने भी प्रकार की मोटर हैं उन सबको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, हम बोल सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन करा गया है तीन कैटेगरी में। सबसे पहले डीसी मोटर्स, फिर है एसी मोटर्स, फिर है स्पेशल मोटर्स। तो सिंपल सी बात है, जो डीसी सप्लाई से चलेंगी वो डीसी मोटर्स होंगी, और जो एसी सप्लाई से चलेंगी वो एसी मोटर होंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल्स मोटर। अब डीसी मोटर में भी अपने आप में कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला पीएमडीसी मोटर्स यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, फिर है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, फिर है डीसी कंपाउंड मोटर। तो पहले डीसी मोटर्स को एक एक करके हम समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे एसी मोटर्स पे। सबसे पहले पीएमडीसी मोटर नाम से समझ आ रहा है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, डीसी सप्लाई से चलती है, क्योंकि डीसी सप्लाई को स्टोर करना पॉसिबल है बैटरीज की हेल्प से। तो जहाँ पर भी बैटरी स्टोरेज पॉसिबल है वहाँ पर डीसी मोटर को यूज़ करा जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन। लेकिन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स जो होती है वो छोटे साइज़ की ही होती हैं, इनकी पावर रेटिंग मिली वॉट्स में होती है। जैसे कि जो छोटे टॉयज़ हैं इनमें हम देखते हैं जो मोटर लगी रहती है उसके स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट होती है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स को बोलते हैं। और या हैंड टूल्स हैं डिफरेंट, जैसे इलेक्ट्रिक शेवर है, इसके अंदर बैटरी स्टोरेज है तो इसके अंदर डीसी मोटर लगाई जा सकती है। और जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जिनको चार्ज करके हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेयर ड्रायर्स है, तो डिफरेंट छोटी छोटी एप्लीकेशन में डीसी मोटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनका यह काफ़ी सिंपल होती हैं, लाइट वेट होती हैं और इनकी इफ़िशेंसी भी हाई होती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ दिक्कत यह है कि वह ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती, और उसके समय के साथ साथ उसके मैग्नेटिज्म के खत्म होने का भी चांसेस रहता है, तो समय के साथ साथ मोटर का जो आउटपुट रहता है वो गिर जाता है। इसलिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं होती और इनकी एप्लीकेशन स्मॉल डिवाइसेस तक ही सीमित है। इसके बाद शंट डीसी मोटर। तो जैसा कि हमने देखा, स्टेटर में जो मैग्नेट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम फील्ड में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। अभी हम मोटर्स के टाइप्स देख रहे हैं, इनकी डिटेल बाद में हम किसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट मैग्नेट को हटाकर फील्ड में हम अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, और फील्ड को एनर्जी देने के लिए हम उसी सप्लाई का उपयोग करते हैं जो डीसी सप्लाई हम आर्मेचर को दे रहे हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है जो मूव करता है वो आता है आर्मेचर, तो उसकी वाइंडिंग, और बाहर वाला जो स्टेशनरी पार्ट होता है फील्ड वाइंडिंग, उन दोनों को सप्लाई देने के लिए हम पैरेलल में लगा देते हैं, इसलिए इसको डीसी शंट मोटर बोलते हैं। अब वैसे तो आप जितनी भी डीसी मोटर्स देखेंगे उनमें आपको रोटर के ऊपर यानी आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर लगा मिलेगा, तो आप उसको देखकर बोल सकते हैं डीसी मोटर। लेकिन यह कैसे पहचानेंगे कि शंट मोटर है? तो उसके लिए आपको स्टेटर की वाइंडिंग को देखना होगा। स्टेटर की वाइंडिंग जो होगी बहुत पतले वायर से बनी होगी, काफ़ी सारे टर्न्स की, तो वह डीसी शंट मोटर होगी। दोस्तों, फील्ड को पैरेलल में लगाने से शंट टाइप मोटर में यह प्रॉपर्टी होती है कि कितना भी लोड हम बढ़ाते जाएं उसकी स्पीड में थोड़ा सा ही डाउनफॉल होता है। यह कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करने की इसकी प्रॉपर्टी इसको बहुत सारी जगह पर यूज़फुल बनाती है। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जैसे लेथ मशीन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है शंट मोटर्स का, वैक्यूम क्लीनर्स, प्रेशर ब्लोअर्स, और बहुत सारी जगह डीसी शंट मोटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो हमने परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर देख लिया, डीसी शंट मोटर देख लिया, अब देखते हैं डीसी सीरीज मोटर्स। तो डीसी सीरीज मोटर, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज़ में लगी होती है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? आर्मेचर में तो कम्यूटेटर होगा ही, फील्ड वाइंडिंग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मोटे वायर की वाइंडिंग होगी, तो हम समझ जाएंगे कि डीसी सीरीज मोटर है। अब सीरीज़ में लगा देने से फील्ड को मोटर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। जब स्पीड जीरो होती है उस वक्त टॉर्क ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है थ्योरेटिकली, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोटर से जो मिलने वाला टॉर्क है वो डाउन होता जाता है। तो यह इसकी प्रॉपर्टी इसको बिल्कुल आइडियल बनाती है ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए। इसकी एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं, रेलवेज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, पुराने इंजन्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
या फिर रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल्स में क्या होता है, जैसे स्टील प्लांट के अंदर जब स्टील के बार्स बनते हैं या स्टील की प्लेट्स बनती हैं, तो उनको दो सिलेंडर्स के बीच में दबाया जाता है। तो अचानक से जब इसके अंदर बार आता है, तो ये जो मोटर इनको रन कर रही होती है, इन सिलेंडर्स को, इनके ऊपर अचानक से लोड बढ़ जाता है, तो इनकी स्पीड डाउन हो जाती है ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका जो टॉर्क है वह बढ़ जाता है, जिससे मोटर अटकती नहीं है, अपने मोशन को कंटिन्यू कर पाती है। एक तरीके से सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है डीसी मोटर्स में, कि उनके ऊपर अचानक से टॉर्क बढ़ेगा तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेंगी। लोड का टॉर्क अचानक से अगर उनके ऊपर बढ़ेगा तो वो अपनी स्पीड को भले ही थोड़ा सा कम कर लेंगी, लेकिन वह बिल्कुल रुकेंगी नहीं, हॉल्ट नहीं होगी। तो यह प्रॉपर्टी उनको क्रेन्स के लिए भी एक आइडियल मोटर बनाती है। माइन हॉइस्ट में भी डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करा जा सकता है, ये हम देख सकते हैं। माइन हॉइस्ट में क्या होता है, जब नीचे खदान, चाहे कोयले की खदान हो चाहे किसी और मटेरियल की खदान हो, तो उसमें जो लिफ्ट को नीचे तक लेकर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जब जैसे लिफ्ट को अगर हम ऊपर लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है, ज़मीन से निकाला हुआ कोयला जो भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है उसको ऊपर खींच के लाने के लिए, तो वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आती है डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में सीरीज और शंट मोटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और लो स्पीड रेगुलेशन होता है, मतलब इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तब भी इसकी स्पीड कम डाउन होगी। तो हमको मिक्स प्रॉपर्टी देती है डीसी कंपाउंड मोटर में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी, आधी वाइंडिंग को सीरीज में रख देते हैं आर्मेचर के और आधी वाइंडिंग को पैरेलल में रख देते हैं, जिससे यह मोटर का इन सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करा जा सकता है, कंप्रेशर, स्टैम्पिंग मशीन, प्रेशर ब्लोअर्स और इन सारी मशीन्स में इसका यूज़ करा जा सकता है। तो डीसी मोटर्स के सारे टाइप्स हमने देख लिए और उनकी एप्लीकेशंस देख ली। अब हम आते हैं जल्दी से एसी मोटर्स के ऊपर। अब जो एसी मोटर्स हैं, इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, या तो सिंक्रोनस मोटर होंगी या असिंक्रोनस मोटर होंगी। तो सिंक्रोनस मोटर्स देख लेते हैं पहले। यह रही सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर चलती हैं। यह भी देखा जाए तो चार प्रकार की हो सकती हैं, सिंगल फेस हो सकती है या थ्री फेस हो सकती है, या फिर प्लेन सिंक्रोनस मोटर हो सकती है, या फिर सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर हो सकती है। सिंक्रोनस मोटर की यही खासियत होती है कि वह हमेशा एक स्पीड पर चलती है, या डिपेंड करता है कि हम उसको किस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे रहे हैं। जनरली इंडिया में हम 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई देते हैं, और उनका नंबर ऑफ़ पोल्स कितने हैं, दो पोल की मोटर है या चार पोल की मोटर है या छः पोल की मोटर है, उसके हिसाब से उनकी स्पीड डिसाइड होती है और वह उसी स्पीड पर चलती हैं। उनकी स्पीड में ज़रा सा भी डाउन नहीं होता, हम उन पर कितना भी लोड बढ़ा लें, लेकिन अगर हम ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे तो वो रुक जाएंगी, हॉल्ट हो जाएंगी, वह कम स्पीड पर कभी नहीं चल सकती। तो यह सिंक्रोनस मोटर होती हैं। तो इनकी फिक्स स्पीड ऑपरेशन इनको इन सारी एप्लीकेशन के लिए आइडियल बनाती है, जैसे अमोनिया और एयर कंप्रेशर, कंटिन्यूस रोलिंग मिल्स, जैसे हमने देखा था डीसी मोटर भी यूज़ हो रही थी रोलिंग मिल्स में, इनका भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो लोड का जो टॉर्क लगने वाला है इन पे, यह इनके पुल आउट टॉर्क से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये हॉल्ट हो जाएंगी। तो यह सारी एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर्स की होती हैं। अब इसके बाद आते हैं असिंक्रोनस मोटर्स। तो हम इंडक्शन मोटर्स अभी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। जो असिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, जो कि सिंक्रोनस स्पीड्स पे कम स्पीड पर चलती हैं, वही होती हैं इंडक्शन मोटर। तो इनका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम होता है असिंक्रोनस मोटर। अब इंडक्शन मोटर में भी अपने आप में दो टाइप हो सकते हैं, या तो सिंगल फेस की मोटर हो सकती है या थ्री फेस की मोटर होती है। तो जहाँ पर लोड रिक्वायरमेंट कम है, जैसे हमारे घर में एक मंजिल तक ही पानी को चढ़ाना है, तो ज़्यादा लोड रिक्वायरमेंट नहीं है, या इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस होती हैं, यहाँ पे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से काम चल जाता है, तो वहाँ पे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होगी। लेकिन 3 किलोवाट या 5 किलोवाट से ऊपर की अगर हमको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। अभी सिंगल फेस में देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला है रेजिस्टेंट स्टार्ट, क्योंकि हमें पता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसमें एक अलग से वाइंडिंग होती है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम उस अलग से जो उसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है स्टार्टिंग के लिए, उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसका टाइप कहलाता है रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसी प्रकार से अगर हम उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, तो वह होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर होता है, वो मोटर के स्टार्ट होने के टाइम तक ही लगा रहता है, और जैसे जैसे मोटर स्पीड अचीव करती है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है जिसमें वो कैपेसिटर को हटा देता है, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। दूसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन,
या इको टाइप है इंडक्शन मोटर का। इसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम ही काम करता है और दूसरा जो है वो रनिंग के टाइम भी काम करता है। तो इसको टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। और इसके बाद है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, जो कि हम आए दिन देखते हैं हमारे डेजर्ट कूलर के अंदर लगी रहती है, उसके फ़ैन में लगी होती है, और जो हमारा सीलिंग फ़ैन है वह भी अपने आप में एक परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज टाइप। अब जैसा कि हमने देखा, जब ज़्यादा लोड की आवश्यकता होती है तो हम थ्री फेस मोटर को यूज़ करते हैं। अब थ्री फेस मोटर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज टाइप और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप। स्क्वायरल केज में जो अंदर का रोटर होता है वह इस प्रकार से होता है, उसके अंदर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, उसके अंदर कॉपर्स के बार्स होते हैं। और दूसरा जो है स्लिप रिंग टाइप, उसमें वाइंडिंग होती है और उसके रोटर के ऊपर ऐसे स्लिप रिंग लगी होती है, जिससे हम रोटर की सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डाल सकते हैं। तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको चाहिए तो वहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ होती है, और जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए, नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं है, नॉर्मल लोड है, तो वहाँ पर हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एसी मोटर्स को भी हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे स्पेशल मोटर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वो मोटर्स के बारे में। इन्हें कंट्रोल मोटर्स भी कहा जाता है। इनमें क्लोज लूप सिस्टम यूज़ होता है, जिससे हम एक्यूरेट आउटपुट निकाल सकते हैं। इन्हें इंडस्ट्रियल बड़ी मोटर्स की तरह कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन के लिए नहीं यूज़ करा जाता। इनका उद्देश्य होता है प्रसाइज कंट्रोल मोशन देना। इनका रोटर बहुत हल्का होता है और लंबा होता है, जिससे इनका रोटर में कोई इनर्शिया नहीं होता, जिससे ये बहुत जल्दी मोशन में आ जाती है और बहुत जल्दी स्टॉप हो जाती है। हालांकि इन्हें हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं करा जाता, और बहुत लो स्पीड के लिए इन्हें यूज़ करा जाता है। जब हमें बिल्कुल प्रसाइज से प्रसाइज, माइनर से माइनर मूवमेंट चाहिए तब इनका यूज़ करा जाता है। और क्लोज लूप सिस्टम होने की वजह से हमारा जो कंट्रोलर रहता है उसको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि हमारा रोटर किस पोजीशन पे है। इसकी वजह से इनका काफ़ी सारा उपयोग करा जाता है रडार्स में, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, मशीन टूल्स, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम। यह हमेशा एक ड्राइव के साथ आते हैं जो इन्हें कंट्रोल करती है, जिसे हम कमांड देकर इनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है स्टेपर मोटर। यह भी रोबोटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली मोटर है, और प्रसाइज कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। हालांकि इसमें क्लोज लूप सिस्टम कम ही यूज़ करा जाता है। इनका कंट्रोलर इनको पल्स देता है, और जैसे जैसे इनको पल्स मिलती है वैसे वैसे इनका यह एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करती है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, जो कि इनके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होती है। एक पल्स पे यह उतने डिग्री मूव कर जाती हैं, और मल्टीपल्स पल्स आती जाती हैं तो ये उतने उतने डिग्री पे मूव करती जाती हैं। तो हमारा कंट्रोलर जो है वह पल्स देकर ही यह अंदाज़ा लगाता है कि इनके रोटर की पोजीशन क्या है। इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो क्योंकि यह डिजिटली कंट्रोल्ड मोटर होती हैं, जो कि इनपुट पल्स से कंट्रोल होती हैं, तो यह कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। इनका यूज़ होता है टेप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, प्रिंटर्स में, रोबोटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इनका, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन के लिए, या इलेक्ट्रिक वॉचेस में इनका यूज़ होता है, और भी इनकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों इसके बाद है यूनिवर्सल मोटर। इसका नाम यूनिवर्सल मोटर इसलिए है क्योंकि यह दोनों सप्लाई पर चल जाती है, एसी सप्लाई पर भी और डीसी सप्लाई पर भी यह चल जाती है। और यह हाई स्पीड मोटर होती हैं, लगभग 3500 RPM से ऊपर पे यह चलती हैं, तो इसलिए इनको फूड मिक्सर्स जो हमारे घर में होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इनका काफ़ी यूज़ है। और फिर है BLDC मोटर, यानी ब्रशलेस DC मोटर। तो जो सिंपल परमानेंट मैग्नेट DC मोटर होती है यह उसका मॉडिफाइड वर्जन है, इसको ब्रशलेस बनाने के लिए, क्योंकि DC मोटर के साथ अक्सर यह प्रॉब्लम आती है कि उनके जो ब्रशेज़ होते हैं वह घिस जाते हैं, तो उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसमें जो रोटर में वाइंडिंग थी उसको स्टेटर में पहुंचा दिया गया है, और जो स्टेटर में मैग्नेट होती है उसको रोटर में पहुंचा दिया गया है। हालांकि यह चलती AC सप्लाई से है, हम इसको जो सप्लाई देते हैं वह तो DC होती है, लेकिन इसके साथ एक कंट्रोलर आता है जो उस सप्लाई को AC में कन्वर्ट कर देता है। और वास्तव में इसको देखा जाए तो यह एक प्रकार से थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, इसको हम डिटेल में जल्द ही समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने कई सारी मोटर्स को डिस्कस कर लिया है, और भी कुछ मोटर्स होती हैं जिनको हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं कर पाए हैं, लेकिन ओवरऑल हमने काफ़ी सारी मोटर्स को डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए यूज़र्स हैं।
और अंत में कहेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।